भगवान श्री राम का राष्ट्रलिंग जब होने जा रहा था, उसी राष्ट्रलिंग होने के कुछ समय बाद में उन्हें वनवास मिल गया। और आपको बता दें कि कल गुड्डा गौर जी के किसान सम्मेलन के अंदर एक ऐसा ही वाक्या सामने आया। गुड्डा गौर जी में किसान सम्मेलन में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का स्वागत करते हुए सैनिक कल्याण पंचायती राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा कि सचिन पायलट के चेहरे पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जिस तरह राजा राम के राष्ट्रलिंग की बजाय वनवास हुआ तो जनता को दुख हुआ कि अन्याय हुआ है। उसी तरह राजस्थान की जनता भी अन्याय को समझ चुकी। आगामी चुनाव में जो पहली बार वोट देगा वहां तक की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वह भी सचिन पायलट की ताजपुष्प के इंतजार में है। अरे